मेरे हर प्रोग्राम में नीचे से शुरुआत हुई, यहाँ तक मजदूर से मंत्री तक के यहाँ साक्षी वटे भी आना है। सुंदरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा तरङ्गिमविदत्वमहोनदाने कस्तूरी तिलकं ललाटवटरे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अथ व्यास पूजनम। व्यास जी का तिलक करके पूजन करें। वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभाललोचनः सन्धो भगवान् देवाधीनं जगता। आए सब लोग बड़े भाव श्रद्धा से मिलकर के भागवत भगवान की बड़ी भाव में आरती करेंगे। सभी लोग यथास्थान समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो हरी तेरी।
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः सायुधाय सुगत्यकाय सावाहनाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुरे भागवत महापुराण की जय श्रीबाल कृष्ण लाल की जय। माध्यम से जुड़ रहे सभी हरिभक्त परिवारों का सप्तम दिवस की इस कथा में हम सभी प्रवेश करो से पूर्व आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। नारायण सेवा सर नमन करता हूँ। व्यासपीठ में विराजित परम पूज्य परम आदरणीय बाल व्यास श्री प्रियांशु जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं, जिनके मुखारविंद से हम गैलेक्सी गार्डन मलाथलाई से ये कथा का लाइव श्रवण प्रण कर पा रहे हैं। आज सप्तम दिवस है, आज विश्राम दिवस भी है। आप सभी हरिभक्त परिवार जो आस्था भजन चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और जो परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, अभी श्रोतागण यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का मैं नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। नेवानी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य पद्मश्री श्री कैलाश जी मानव जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान की स्थापना करी आज से 3700 पूर्व। जी हाँ, इस कथा का एक उद्देश्य है, वो है नारायण सेवा संस्थान के दीन दुखी दिव्यांगों के लिए सहयोग राशि को हर लिया था। सभी जो भी परेशान होते हैं, जो भी उनका नाम लेते हैं, जो दिल से उनका नाम लेते हैं, जो जिनको दिल से उनको पुकारते हैं, उनके लिए भगवान कैलाश जी मानव जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। नारायण सेवा संस्थान की सह संस्थापिका आदरणीय गुरु माता कमला देवी जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी अभिनंदन करते हैं। नारायण सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक प्रशांत भैया जी दिन दुखी दिव्यांगों के लिए 24/7 कार्यरत हैं। नारायण सेवा संस्थान की निदेशिका वंदना जी भाभी जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सुश्री पलक जी अग्रवाल जी का भी स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। संस्थान के निदेशक एवं ट्रस्टी आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब का भी प्रणाम अभिनंदन वंदन करते हैं। वो सभी श्रोतागण का भी यहाँ पे स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं इस कथा के सप्तम दिवस में। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो भी हरिभक्त परिवार जुड़ रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग आज इस कथा में बने रहिएगा। आपके परिवार के सदस्यों से भी विनती है कि कहीं इधर उधर आगे लाओ ना भौजी, महाराज जी दिवस है और महाराज जी की कथा आप श्रवण करके ही आज अपने कार्य करिएगा, उससे बहुत बहुत आनंद आपको प्राप्त होगा, आपका दिन भी शुभ जाएगा। आइए हमारे बीच में आज कथा के मध्य आदरणीय जगदीश राज श्रीमाली जी पधारे हैं, जो अभी अभी राज्य मंत्री का दर्जा लेकर प्रथम बार उदयपुर में आए हैं। उनका जोरदार तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और जगदीश राज श्रीमाली जी से निवेदन करूंगा कृपा करके वो मंच पर पधारें। नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आदित्य जी से निवेदन करूंगा कृपया करके आप श्री मंच पर पधारें। श्री जगदीश राज श्रीमाली जी जो राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार के, आप श्री से भी निवेदन करेंगे कृपया करके आप श्री भी मंच पर पधारे। नारायण सेवा संस्थान परिवार से भी आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री छोगालाल भोई जी भी हमारे बीच में हैं, आप श्री भी निवेदन है कृपया करके आप श्री भी मंच पर पधारे।
उदयपुर की धन्यवाद हस्ती हमारे बीच में मौजूद हैं विवाद चैनल के श्री शोभालाल जी भोई साहब से भी निवेदन है, कृपया करके आप भी मंच पर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें आदरणीय शोभालाल जी भाई साहब। यस यस पहले मैं शूटिंग करूं। श्री रविंद्र श्रीमाली जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर से भी निवेदन करेंगे, कृपया करके आप भी मंच पर पधारें। हमारे सभी अतिथियों का एक बार स्वागत करना चाहिए, जोरदार तालियां बजा के आप सभी स्वागत करिए। ये सभी वो लोग हैं जो समाज सेवा के साथ में अपना नाम जोड़े हुए हैं। और राजेश जी वैष्णव मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में, अम्मा माता मंडल अध्यक्ष हैं हमारे बीच में, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। नारायण सेवा संस्थान पर हुआ महाराज जी से उनको आशीर्वाद दिलवाएं और नारायण सेवा संस्थान की तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। श्री गौरव प्रताप सिंह जी से भी निवेदन करूंगा जो पार्षद महोदय हैं, कृपया करके आप श्री भी मंच पर बताने। श्री गौरव प्रताप सिंह जी एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री नेहा कुमावत जी, रवि कुमावत जी आपसे भी निवेदन है, आपसे भी कृपया करके मंच पर पधारे। श्री नेहा कुमावत जी एवं रवि कुमावत जी। संजय मनवानी जी से भी निवेदन है, कृपया करके आपसे भी मंच पर पधारे आदरणीय संजय मनवानी जी। ये चोगालाल जी भोई साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, उदयपुर की मशहूर हस्ती में से एक है। आप श्री का आशीर्वाद हमारे को भी यहाँ बच्चों को प्राप्त है। नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में हो रही इस कथा में आप सभी पधारे हुए माननीय अतिथियों का हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत हे श्रीमान। आप सभी का नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। श्री ओम जी कुमावत जी का भी हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं मंच पर। हमें जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है आदरणीय गिरीश जी भाई साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के प्रांगण में ये कथा हो रही है, उन्हीं के प्रांगण से ये कथा का आप श्रवण पान कर पा रहे हैं। ये हैं आदरणीय गिरीश जी भाई साहब, जिनका जोरदार तालियां बजा के हम सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेक कार्यों के लिए ऐसे नेक लोग कम प्राप्त होते हैं, कम लोग दिखते हैं हमारे को, और गिरीश जी भाई साहब उनमें से एक है, पार्षद महोदय इस वार्ड के यहाँ पर गिरीश जी भाई साहब। सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप श्री द्वारा दिए गए सहयोग से लाखों करोड़ों लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं उनके लिए आप सभी दानवी भामाशाह का मैं नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं, जो इनके मंगल कामना के लिए आप भी अपना सहयोग निछावर कर दीजिए। आप श्री से निवेदन है कि नारायण सेवा संस्थान जो विगत 37 वर्षों से कार्य कर रही, सहयोग की बदौलत ही सुहानी सर्दी में 20 कंबल और 25 स्वेटर की सेवाएं प्रदान कर रही है। आप घर घर तक गरीब जरूरतमंद लोगों का नाम यहाँ पे लिखवाएं, इन बच्चों के लिए सहयोग राशि भिजवाएं, इन बच्चों के लिए भी आप कुछ ना कुछ सहयोग करें। आज मंगलवार के पावन दिवस पे आप सभी जितने भी महानुभाव यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी समाज सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, आज इन दीन दुखी दिव्यांगों के लिए भी आप कुछ सहयोग करके दीजिए। आपको बहुत वो महानुभाव है जो समाज के साथ में अपना नाम जुड़े हुए हैं, वो समाज सेवा कर रहे हैं। आज देखिए राजस्थान सरकार में भी उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है और पूरे राज्य के सेवा के कार्य के लिए वो भी अग्रसर हैं। आप श्री का नारायण सेवा संस्थान तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। जगदीश जी, गिरीश जी भारती जी का आप स्वागत करें। जगदीश जी से निवेदन है कि बंदी जी आदरणीय गिरीश जी भाई साहब के लिए, ये वो है जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि नारायण सेवा संस्थान के दीन दुखी दिव्यांगों के लिए सहयोग राशि इकट्ठा हो सके और बहुत सारा आशीर्वाद उनको भी वहां से प्राप्त हो सके। आदरणीय गिरीश जी भाई साहब आइए, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और आप सभी को मैं ले चलता हूं एक ऐसे शख्सियत के पास जिनकी वाणी को सुनना भी बनता है, आदरणीय जगदीश जी भाई साहब, जगदीश राज श्रीमाली जी। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, या साधु संतों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय महाकालेश्वर भगवान की लगा लो, जय प्रियंशु महाराज की लगा। मेवाड़ की इस पावन पुण्य धरा पर जिलों की नगरी उदयपुर में प्रेरणा परिवार एवं नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इस धार्मिक अनुष्ठान में वृंदावन के हमारे बाल ऋषि प्रियांशु जी महाराज के श्रीमुख से
इस शुभ कथा का अमृत बरस रहा है और शहरवासी उसका रसपान कर रहे हैं। मैं मेवाड़ की धरती पर राजस्थान सरकार की तरफ से प्रियंशु महाराज का आप सभी की तरफ से कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं मैं कितना भाग्यशाली हूं कि 4 तारीख को महाकालेश्वर गार्डन में चाड़े के परिवार के सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में मैं मेरे गुरुदेव सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और प्रियंशु जी महाराज के सानिध्य में 21 पटुकों को जनोई दी, जिस दिन मैं विशिष्ट अतिथि के तौर पे आपके साथ शरीक हुआ। और वहां से जब मैं गया तो दूसरे ही दिन मुझे राज्य मंत्री का 5 तारीख को यह दर्जा मिल गया। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि गुरु के आशीर्वाद में वो शक्ति है। अगर मुझे ये आशीर्वाद आपका पहले मिल जाता तो मुझे 8 महीना इंतजार नहीं करना पड़ता। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो मुझे सेवा करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक मजदूर जो मैं 14 साल की उम्र में बाल श्रमिक से मेरा करियर शुरू हुआ, मैं किसान का बेटा गांव से हल्दी घाटी से नंगे पांव आया उदयपुर में, होटल में कपड़े धोई, गाइडिंग की, पान की दुकान पे नौकरी करते हुए पढ़ाई को जारी रखा और 17 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में झाड़ू लगाने वाले मजदूर में भर्ती होके और इस मंत्री तक पहुंचा हूं। तो उस हल्दी घाटी की जन्मभूमि और मेरी जो कर्मभूमि जो हिंगलाज धूरी माता, जो महाराणा उदय सिंह जी के गुरु थे जगन रावल जी, उनके द्वारा स्थापित पीठ जहाँ जगत रावल जी ने जीवित समाधि ली, वहां 35 साल से मैं लगातार रविवार की प्रथम मंगला आरती करता हूँ। और हमेशा यही मेवाड़ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देश वासियों के लिए शुभकामना और मंगल कामना करता हूँ कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा जिला निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़े और हमारे प्रदेशवासी, हमारे क्षेत्रवासी हमेशा उनके ऊपर कृपा रखकर हमेशा उनके घर में सुख समृद्धि रहे। मैं गुरुवर आपके चरणों में नमन करते हुए, मेरे को यह दायित्व मिलने के बाद उदयपुर का पहला कार्यक्रम है कि मैं यह आपका आशीर्वाद लेके गया और वापस आपका आशीर्वाद लेने का ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आपके सामने विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे सरकार ने जो दायित्व दिया है मैं ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई के साथ जन सेवा के लिए कार्य में शपथ लेता हूँ, आपके सामने के लोगों की सेवा करूंगा। इस मौके पर मेरे छोटे भाई गिरीश जी पार्षद साहब जो मुझे बहुत अनन्य दिल से चाहते हैं, उन्होंने उनका आग्रह कई बार उन्होंने संस्था में मुझे इन्वाइट किया लेकिन संजोग नहीं बैठा। ये राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद ही आज संजोग बैठा, ये भी इनकी भावना थी कि ये हमेशा चाहते थे। हमारे जुझारू पार्षद अजय जी पोरवाल साहब बैठे, बाबरवाल साहब बैठे, मेरे छोटे भाई गौरव प्रताप जी बैठे, विनोद जैन साहब बैठे, मेरे छोगालाल जी जैन जो मेरे बहुत पुराने, जब मैं मजदूरी में इस संगठन में आया था उस समय के हमारे एक यू कह सकते हैं बाल सखा, जो हमेशा मेरी तरक्की और प्रगति के समय इन्होंने हर चीज को कैद किया और साक्षी रखे, शहर को दिखाया मेरी प्रगति को। ऐसे मेरे भाई बैठे हुए, मैं सबका गणेश जी शर्मा, इंदु शेखर जी का, मैडम बतुल हबीब जी का और यहाँ पर बैठे हुए तमाम सबका नाम लूंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। जिनका नाम आया मेरे मुख पे उनका मुख पे और जिनका नाम नहीं आया उनको हृदय में स्वीकार करते हुए उन सबको मैं अभिनंदन करते हुए आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस भागवत कथा में मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए गुरुजी मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। और गिरीश जी आपका बहुत बहुत पुण्य के भागीदार, आपने मुझे बनाया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश, इस माटी और इस मेवाड़ का गौरव सदैव बनाए रखना, बनाए रखना। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।